हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की स्पिन ऑफ हॉब्स एंड शॉ फिल्म के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 26 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म ये कर दिया गया है कि ये फिल्म 26 जुलाई को नहीं बल्कि 2 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। जी हाँ, ये रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है स्टूडियो की तरफ से, और इस फिल्म को डेडपूल 2 के डायरेक्टर डेविड लीची डायरेक्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस फिल्म में चार अच्छी कास्टिंग की गई है, चार में से तीन कास्ट काफी बड़ी है। एक तो खुद हमारे ड्वेन जॉनसन, दूसरे जेसन स्टेटम, तीसरे इद्रिस एल्बा और चौथी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट फिल्म की एक्ट्रेस वेनिसा कर्बी। तो अब इस फिल्म को लेकर ऑफिशियल अपडेट ये आया है कि इस फिल्म की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, इस बात की कंफर्मेशन इस फिल्म के लीड एक्टर ड्वेन जॉनसन ने दी है इस पिक को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालकर। वेल ऑब्वियसली, इस पिक में हम इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड लीची और जेसन स्टेथम को देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, डेविड लीची बिल्कुल फ्री हो गए हैं डेडपूल 2 फिल्म से और अब वो लग गए हैं इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर। वैसे पहले इस फिल्म पर काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई है, जिस पर मैंने काफी सारी वीडियोस भी बनाई है और वो सभी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है। अब जाकर इस फिल्म की वो सारी कंट्रोवर्सी देख सकते हैं कि असल में इस स्पिन ऑफ को लेकर कैसे विन डीजल और उनके दोस्तों ने अपनी राय दी थी कि ड्वेन जॉनसन कितने ज्यादा मतलबी हो गए हैं। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको मेरे चैनल की हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।